सोमवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए आरटीडीएस चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने ग्राम पीही टापरवाड़ा सहित अन्य गांवों का दौरा कर आमजन से मुलाकात की। ग्रामीणों ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राठौर ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के मुद्दे पर पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ईआरसीपी के लिए पीएम मोदी ने जयपुर अजमेर में वादा किया था कि वो अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है और यह 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जुमलेबाजी और मन की बात बहुत हो गई। जल मंत्री जयपुर से होने के बावजूद आज तक ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिलवा सके। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्ण कार्य ने राजस्थान को देश में मॉडल राज्य के रूप में पेश किया है। राज्य सरकार की योजनाओं के बलबूते पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा रहा, उसी का परिणाम रहा कि हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। गहलोत पायलट के झगड़े पर पूछे जाने पर राठौर ने कहा कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो बीजेपी में 10-10 लोग मुख्यमंत्री बनकर फिर रहे। प्रदेश में अशोक गहलोत की लीडरशिप में सरकार रिपीट होगी जिससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ग्राम टापरवाड़ा में उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह की माताजी शार कवर के निधन पर आयोजित शोक सभा में भी भाग लिया। इसके बाद वे अजमेर के लिए रवाना हो गए। वे रहे मौजूद। इस दौरान पूर्व विधायक बिरदा राम चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लच्छा राम, यशवंत सिंह, घनश्याम सिंह, भवरा राम गोदा, दिनेश चंद्र सैनी, अशोक चौहान, हनुमान माली, महबूब अली सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या की जनता के हित के फैसले इतने ज्यादा हुए, पूरे देश में राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में इस बार जो जनकल्याणकारी नीतियाँ और सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतनी ज़बरदस्त हैं कि पूरे देश में हमारी योजनाओं के बलबूते और जगह प्रचार हो रहा है। हिमाचल में सरकार आई, ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान में हुआ उसका बहुत बड़ा मुद्दा रहा। कर्नाटक में सरकार आई, हमारी योजना ही जो थी राजस्थान सरकार की। अशोक गहलोत जी ने इस बार तो ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जिसके विधानसभा क्षेत्र में जो उसने मांगा वो नहीं दिया। कहते भी हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये सारी बातें तय कर दी है भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ भी रहे हैं 31 तारीख को अजमेर में। नागौर जिला भी अजमेर संभाग में ही है, तो हम तो उनको कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या अजमेर की है वो है पीने के पानी की, ईआरसीपी। और खुद उन्होंने अजमेर में आए थे, तब पिछली बार जब वसुंधरा जी सीएम थी तब उन्होंने कहा था कि ईआरसीपी को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। पीएचडी मंत्री हैं, जलदाय मंत्री हैं, वो भी हमारे राजस्थान के हैं, जोधपुर से सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत। हम तो एकमात्र ये बात कहने वाले हैं कि अब आप कुछ करना भी सीखो। बहुत हो गई है जुमलेबाजी, बहुत हो गई है बातें, बहुत हो गई है मन की बातें, अब कुछ ऐसा करो जिससे आपको लोग याद करें। दिल्ली में मीटिंग है आज, वो जो कांग्रेस की, तो गहलोत पायलट का झगड़ा वो खत्म हो जाएगा? देखो ये मीटिंग वगैरह तो पार्टी की चलती रहती है, न कोई झगड़ा था न झगड़ा है न झगड़ा रहेगा। झगड़ा तो है तो बीजेपी में है, जो आप देख रहे हो कि उनके वहाँ मुख्यमंत्री 10-10 लोग बड़े फिर रहे हैं। हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं और सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत जी के लीडरशिप में कोई चैलेंज नहीं कर रहा है।